सीधा का प्रमाण है प्रमाण समाधान न्याय और समाधान ठीक है ना। समाधान आने से हमने कहा मौनी, समाधान संपन्न होने से मौनी, समाधान संपन्न होने से मुनि का मौनी, मौनी मौनी का हाँ, हाँ, तो आप उस समाधान संपन्न होने से समस्या से मुक्ति हाँ, बराबर मौनी मौनी मौन। अच्छा किस बात से? समस्या से मौन, समस्या से मौन। अच्छा समस्या से जो मौन है वो मुनि है, वो ही मुनि। अच्छा ऐसा बहुत सुंदर है बाबा। ठीक है ये हर व्यक्ति को साधु बनना ही चाहेगा इस विधि से। हाँ, हाँ। इससे शब्दों को परिभाषा मिल जा रही है। क्या बात, क्या बात है, व्यवहारिक परिभाषा, व्यवहारिक परिभाषा। अच्छा हाँ इसमें उसके बाद ये तीसरा लिखा है स्व अस्तित्व के प्रति निर्भ्रम होना संन्यासी। अच्छा स्व अस्तित्व अभिमान से मुक्ति बराबर संन्यासी। जीवन ज्ञान जिसको अभिमान का मतलब होता है अतिव्याप्ति अनाव्याप्ति व्याप्ति दोष संपन्न। हाँ ठीक अभिमान का मतलब हाँ, है हाँ। अधिमूल्यन अवमूल्यन निर्मूल्यन हाँ उसका मतलब अभिमान हाँ। आरोपित मानव में तसा तत्राभिमान है और जब हम आरोपित करते हैं किसी वस्तु के ऊपर मूल्यांकन में उसका नाम है अभिमान। जैसा स्वयं के ऊपर हम आरोपित कर रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं बाकी सब सड़ा है ऐसा सोचते ना अनाव्याप्ति व्याप्ति दोषों में कहीं ना कहीं आ गए। सभी अच्छे होने के लिए हम यदि अच्छे होना है यदि अच्छा हुआ हो हमको हम जो है ना एक से अनेक होने की कार्यक्रम ही है ऐसा बन गए। स्वयं के अस्तित्व के प्रति अभिमान होने से अहंकार होता है ठीक है। यदि स्व अस्तित्व का अभिमान से मुक्ति पाना ही संन्यास सहा संतेति सा संन्यास ऐसा हम परिभाषा दिया है ठीक है। उसमें यह अर्थनिष्पत्ति होता अपने को कहीं ना कहीं इन सब बातों पर तो नजर डालना ही पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। अध्ययन के लिए ध्यान देने पड़ेगा ठीक अनुभव के बाद ध्यान रहता ही इसका क्या प्रमाण मैं स्वयं प्रमाण। अभी आपको ऐसा कुछ लगा अभी तक जो जो अनुभव में कोई चीज भूल गए नहीं मुझसे कोई भूल हो रही है ऐसा कुछ होगा नहीं बस भूल होता ही ध्यान देना माने भूल माने सदा सदा ध्यान रहना माने हम सदा सच्चाई को प्रकट करने योग्य हुए और वो भी केंद्रीय सच्चाई को प्रकट करने योग्य हुए उसमें सभी समस्याएं समाधान हो गए प्रश्न मुक्ति हो गए ये पहला उपप्रमाण है ना। उसके बाद दोषों को बोध कराने वाला दूसरा प्रमाण ये हो जाता है उसमें तो ध्यान हटते ही नहीं है ठीक है। तो अध्ययन करने के लिए चाहिए ध्यान देना पड़ता है वही मैं भी वही किया हूँ मैं भी अध्ययन करने के लिए ध्यान दिया हूँ तब मुझको अध्ययन हुआ है
उसका जो है ना, हर व्यक्ति को समाधि के बाद अध्ययन करना संभव नहीं है, इसीलिए अध्ययन विधि से इसको बस किया जाए। किसका फल परिणाम को, संयम का फल परिणाम को, इसमें संयम समाधि बाईपास हो गई। बाबा एक बाईपास सर्जरी, बाईपास रोड दो बाईपास रोड। बाबा एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसे मतलब संयम काल में जब आप अध्ययन कर रहे थे, है ना, तो आपने लिपि, भाषा और ये सब के रूप में काफी सारी चीजों को देखा कुछ, है ना, तो ये जो घटना के रूप में हम अध्ययन किया। हाँ वो ठीक है, पर जो साक्षात्कार रूप में हम अध्ययन किया, सीधा आपने अध्ययन किया, ठीक हो गई, ठीक है। साक्षात्कार के बाद अनुभव के अलावा कुछ होता ही नहीं। पर वो जो आप देख रहे थे उस समय, जैसे वो पत्थर का पिघलना और में आना, अपने वो अपने प्रकृति का विन्यास हुआ हो, वो कहाँ प्रकृति का विन्यास आपके, अच्छा हाँ हमारा अध्ययन में आया, तो वो आपके मतलब वो आपके चित्रण में प्रकट हो गया। अच्छा वही साक्षात्कार है, तो आपके चित्रण में वो प्रकट हो गया, तो वो आपको दिखने, तो आंखें भली बंद हो, खुली, उस पर हमारा विश्वास हो गया। अच्छा, तो उसमें बाबा एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे जो कुछ भी आप देख रहे थे उस समय, क्या उसमें दूसरे जीवनों की कोई भूमिका थी? जीवन को स्वयं का जीवन को देखा, स्वयं के जीवन को देखा। अच्छा, इससे इसके आधार पर हम संतुष्ट हो गए, हमारा जैसा सबका जीवन। अच्छा, इस टाइम से आ गई। तो वो जो आप पुंजाकार में जैसे है ना, गाय देखा, घोड़ा देखा, ये सब देखा, जो आप बोल रहे थे ना कभी जीवन ही साकार में, तो ये जो है वो चित्रण के रूप में था। सारा जीव संसार में जो जीवन के पहचान के बारे में लिखा है वैसे ही देखा। हाँ, अच्छा ठीक है ना। और जब जीवन देखा तो स्वयं का जीवन देखा, जीवन को देखा है स्वयं का जीवन। जीवों में कौन सा जीवन रहता है कि नहीं, उसका लिख दिया है जैसा देखा हो, ठीक तो है, ठीक हो गए। इस तरह से वनस्पति संसार, वस्तु संसार में जीवन नहीं है। अभी हमारे जो है ना कुछ लेखों में ये है, इन सब में जीवन रखा हुआ है। क्या करोगे, उसी के आधार पत्थर जो है ना वेद पढ़ लिया है ना। हमारे देश में जो मद्रास में एक विष्णु कांची में एक अप्पय दीक्षित नाम की एक आदमी हुआ, उनका नाम है अप्पय दीक्षित, ठीक है। दीक्षित का मतलब है बहुत सारे यज्ञ किया हुआ दीक्षित है। तो किंवदंतियां ये थी, वो जो है ना उनके साथ पत्थर भी बात करता। उसमें कुछ लोगों का ये हुआ, उत्साह हुआ, जा करके उनसे परामर्श करने के लिए गए। संयोग रहे उस दिन उनका पितरों का पुण्य दिन था, वो कहीं अपना कार्य संपन्न करता रहा, लोग इंतजार किए। उसके बाद आप दीक्षित से पूछ, इस प्रकार की आप जो है ना, आपको आपके साथ पत्थर बात करता है ऐसा सुनते हैं, क्या बात बताया? वो जिस जगह में करता रहा वो एक मंदिर था, वहां एक पत्थर का नंदी बैठा था, बैल के आकार में पत्थर गढ़ते हैं ना अपने यहाँ बहुत सारा है, वो ऐसा एक पत्थर का नंदी वहां था, तो उसी के सामने इन्होंने अपना पितृकर्म किया था। उन्होंने कुछ सोचा, कुछ बोला, वो पत्थर बोलने लगा वेद को, वेद मंत्र को ऐसा लिखा, ठीक है। उसके बाद दूसरे जगह में जो गरुड़ जो है ना, गरुड़ पक्षी होता है, वो पक्षी जो है ना विष्णु का वाहन है, गरुड़ पक्षी साउथ में होता है, यहाँ नहीं होता है। क्या सुना आप देखे हो? हाँ। वो जो गले में सफेद रहता है ना, वो पंखे जो है ना लालिमा लेकर के होते हैं,
जिससे हम उस जिसका पंखे जो निकलते हैं उसमें हम कलम बना करके लिख करके देखा, ऐसा सामग्री हो, ठीक है ना। वो गरुड़ पक्षी जब उनको विष्णु को लेके चलता था, पंखा हलाता है तो वो नमो नारायण है, वो नमो नारायण है बोलता रहा पंखे में। अब उसके बाद वो पर्याप्त नहीं हुआ, कौवा से उनका ज्ञानोदय हुआ, कौवे से भी गरुड़ ने कौवे से ज्ञान अर्जन किया, ऐसा कथा वो मैं क्या करोगे, लिखने वाला लिख लिए क्या करेंगे, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अब जो है ना, एक दूसरे के लिए प्रमाणित होने की विधि से अपन अपने साहित्य को सजाए। यदि प्रमाणित होता है, एक दूसरे के लिए संप्रेषित होता है, आवश्यकता पड़ता है तो संप्रेषित हो जाएगी, ऐसा अपना गणित। यदि होता है तब मान रहे हो कि वो सही बात है। ऐसा सब कार्यक्रम चलिए।